Welcome to Best Notes tutorial, and in this video we are going to talk about Chaucer's characterization. Chaucer के जो characters थे उनके बारे में हम बात करेंगे. बहुत important है और काफ़ी बार पूछा जाता है. So first character delineator in English, ये character delineator, इनको first character delineator बोल सकते हैं. Character delineator का मतलब होता है कि first time जिसने अपने works में characters को डाला या उनको portray किया, ठीक है. और होपफुली कि आपने पिछले 3 वीडियोस देख लिए होंगे. अभी हम नोट्स के इस पार्ट्स में पहुंच चुके हैं. डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी ऑफ 14th सेंचुरी. दूसरी चीज़ ये थी कि जो उनके कैरेक्टर्स थे उन्होंने पूरी सोसाइटी जो 14th सेंचुरी की थी उसको क्या किया था, पोर्ट्रे किया था, डेलिनिएट किया था. कैरेक्टर्स फ्रॉम व्हाट ही सॉ अराउंड, और उन्होंने कैरेक्टर्स कौन से चूज किए थे जो उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया. So, अगर हम कहें कि उनके कैरेक्टर्स जो थे वो दे आर रियल, यूनिवर्सल लाइक शेक्सपियर. यूनिवर्सल का मतलब हर जगह देखने को मिल जाएंगे आपको. आर इंडिविजुअल, और उनकी कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी भी हमें देखने को मिलती है. फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल कंडक्ट, और अलग अलग प्रोफेशन से वो लोग थे. अभी हम देखेंगे सारे कैरेक्टर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वन बाय वन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मॉन्क, द प्रायरस, द फ्रायर, द समनर, द पार्टनर, ये आपके सेलेस्टिकल फिगर्स थे. एंड रिप्रेजेंट करप्शन इन चर्च, और इन्होंने रिप्रेजेंट क्या किया था उस टाइम जो चर्च में करप्शन चल रहा था 14th सेंचुरी में, उसको उन्होंने क्या किया था, शो किया था. द शिपमैन, एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ टाइप एडवेंचरस सी मैन. उस टाइम के जो एडवेंचरस सी मैन थे उनको ये रिप्रेजेंट करता है. हाफ स्मगलर एंड पायरेट्स, और स्मगलर थे, पायरेट्स थे, ये सभी क्या थे, शिपमैन में आते हैं. क्लर्क्स ऑफ ऑक्सफोर्ड, पैशन फॉर लर्निंग, और कुछ लोग ऐसे थे जो लर्निंग के लिए पैशनेट थे तो उनमें क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड आता है. एंड ग्रुप ऑफ गिल्ड मेंबर्स, और कुछ चालाक लोग भी इसमें थे. फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड थे. कंट्री स्क्वायर एंड कैनी, डॉक्टर, पैरिश प्रीस्ट, the thieving miller and good-hearted wife of Bath, and the prioress is the teacher of young ladies. So these are the characters we see there. तो हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है यहाँ पे कि एक तो प्रोफेशनल जो था वो उनके प्रोफेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या किया गया, दिया गया और शो किया गया है. दूसरी वो लोग यूनिवर्सल थे, या अपने हर जगह हमें ये लोग देखने को मिलते हैं, और रियल थे, इंडिविजुअलिटी हमें देखने को मिलती है. तो कहीं ना कहीं जो चौसर थे इसीलिए उनको फर्स्ट डेलिनिएटर इन इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है, कैरेक्टर डेलिनिएटर बोला जाता है. हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा है अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो. आप हमारा जो ऐप है और वेबसाइट है उसे भी आप अब विजिट कर सकते हैं. तो कैंटरबरी टेल्स में आप लोगों के ये सारे आपको क्या हैं, ये आपके कैरेक्टर्स हैं. इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं हर एग्जाम में. जैसे 24 टेल्स थे, वर्स, प्रोज, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं. इसमें से 4 क्या थी, इनकम्प्लीट थी. श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट में वो जा रहे थे. स्प्रिंग का टाइम था 1385 टू 1387 के बीच में. 29 पिलग्रिम्स, चौसर इंक्लूडिंग. एंड कंप्लीट नेवर रीचेस टू, ओके, कंपनी नेवर रीचेस टू कैंटरबरी. यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि जो कंपनी थी वो जा तो रही थी श्राइन ऑफ थॉमस ए बैकेट के यहाँ पे, लेकिन वहाँ वो कभी पहुँचते नहीं थे. 23 पीपल गॉट टर्न फॉर टेलिंग द स्टोरी. प्रोज टेल, टेल ऑफ मैलियबस बाय चौसर, एंड पार्सन टेल अदर डेकेसिलेबिक और हेरोइक कपलेट में लिखी गई हैं. कैरेक्टर्स कौन कौन से थे उन्हें देख लेते हैं. तो पहला है आप लोगों का नाइट. नाइट क्या है, हाईएस्ट इन सोशल हियरार्की, फर्स्ट स्टोरी टेलर. तो जो नाइट है वो क्या है, हियरार्की में अगर हम बात करें उस टाइम की जो हियरार्की थी उसमें जो फर्स्ट था वो कौन था, आपका नाइट था, ठीक है. एंड देन अदर्स वर देयर. स्क्वायर, नाइट सन. स्क्वायर कौन है इसमें, जो नाइट का सन है, उनका बेटा है. Yeoman, yeoman कौन है, servant with knight. And prioress is Madam Eglantine, and she is a modest lady. Monk is contrast to his religion. Monk होने के लिए तो उसका जो है monk है, लेकिन वो एक्चुअल में मॉन्क जैसा बिहेवियर नहीं करता है. फ्रायर नेम इज हैबिट एंड सॉरी ह्यूबर्ट एंड ही सिड्यूसेस यंग गर्ल्स और यंग गर्ल्स को सिड्यूस करता है. मर्चेंट एंड एरोगेंट एंड राइजिंग मिडिल क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है. तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राइजिंग मिडिल क्लास है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है. सो ही वॉज मर्चेंट ऑलराइट एंड ही वॉज एन एरोगेंट फेलो. जब आप ये नोट्स अगर लेते हैं तो आप इनको थोड़ा सा जूम करके पढ़ सकते हैं हल्का सा ऑलराइट. सो आप लोगों को अच्छा खासा स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा. सो कलर्क सिंसियर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी and sergeant he was busy and successful lawyer. Franklin is a wealthy landowner and he is a jovial person. And guildsman the carpenter and rising middleman, to ye bhi rising middleman ka hai guildsman jo example hai. And cook works for guildsman and known for culinary skills, aur wo khana pakane ki skill ke liye jana jata hai cook. शिपमैन एक्सपर्ट सेलर एंड ही स्टील्स वाइन, तो जो वाइन स्टील करता है वो शिपमैन करता है. तो कहीं ना कहीं क्या है कि जितने क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो आपको एक पेज में मिल जाएंगे. बाकी इतनी सारी स्टोरीज पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और हमारे पास अगर कम टाइम है तो. डॉक्टर इज एजुकेटेड फॉन्ड ऑफ गोल्ड एंड मेक्स मनी ड्यूरिंग प्लेग, और जो प्लेग होता है उसके टाइम पे उसने काफ़ी सारा पैसा बनाया. एंड वाइफ नेम एलिसन एंड 5 टाइम मैरिड, और उसके पांच बार उसकी मैरिज हुई थी. मैरिड है वो 5 टाइम मैरिड शी इज. एंड पार्सन पुअर बट वर्चुअस मैन, पार्सन जो है वो गरीब है लेकिन एक वर्चुअस मैन है. प्लोमैन इज ब्रदर ऑफ पार्सन ऑनेस्ट वर्कर. एंड मिलर बिग स्टाउट फिजिकल अपीयरेंस फोकस्ड बाय चौसर, और यहाँ पे चौसर ने मिलर है उसके फिजिकल अपीयरेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है. एंड मैंसिपल इलिटरेट वर्क एट इंस ऑफ काउंट कोर्ट. एंड रीव ओल्ड स्टीवर्ड, ही इज ओल्ड पर्सन. रीव क्या है, एक बूढ़ा इंसान है. स्टीवर्ड ऑन एन स्टेट. एंड समनर ऑफिसर ऑफ द चर्च. होस्ट हैरी बेली, जिसके बारे में हमें अभी बात की थी पिछले वीडियो में. एंड ही इज ओनर ऑफ टबार्ड इन जहाँ पे वो जा रहे थे. तो बार बार अगर आप पढ़ेंगे इसको तो डेफिनेटली आप लोगों को याद हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज नैरेटर रिकॉर्डर ऑफ ऑल इवेंट. नैरेटर जो है वो सारे इवेंट को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है. पार्टनर इज ही फूल्स पीपल टू मेक मनी, और पार्टनर जो है अपने आप में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और पैसा बनाता है. सो होपफुली ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू.